डॉक्टर साहब तुम दूसरे के दारू छुड़ावा तो और खुद तो फेल के दारू पिया तो। अबे यूँ सब तो पैसा कमाने का तरीका है, वरना हमका देख लो, आज तक दारू छूटी ये मरीज की छूटी है। तो डॉक्टर साहब यार 30 दिन में दारू छुड़ाने की गारंटी का है ले तो। अबे तुम हो एक नंबर के बाइल, यही तो है बिजनेस। यही चक्कर में मरीज कम से कम 30 दिन दवा तो ले आवत है। अगर वो 30 दिन में दारू छोड़ दी तो खुशी में दारू हमारे पास छोड़ के जी है, और अगर नहीं छूटी तो 30 दिन का पैसा तो दैकन जी है। वाह डॉक्टर साहब वाह, दिल खुश कर दियो। नहाए के आए हो तो चुम्मी ले लेते ना आज। अबे अश्लील बातें ना करो, यूँ बताओ हमरा तो बिजनेस है, तो दारू पिया था तुम काहे पिया तो? डॉक्टर साहब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अबे रफी के औलाद अपना फटे बाँच जैसा मुंह बंद कर लो, वरना जत्ती चढ़ी है यही उतर जी है। नहीं डॉक्टर साहब अब तुम हमरे टूटे दिल में उंगली कर दियो, अब तुमका हमरी प्रेम कहानी सुनने पड़ी है। अब पिछवाड़े में उंगली सुने रहन, ये दिल में उंगली कब से होने लगी? अरे डॉक्टर साहब हमरा कहने का मतलब है अब तुम बात छेड़ दियो तो तुमका हमरी पारो की कहानी सुनना पड़ी है। अबे नहीं यार, तुम 50 बार तो कहानी सुना चुके हो। आप सुने हो, पर ये जो वीडियो देख रहे ये लोग थोड़े ना सुने ने, इनका सुनाया दिन। हाँ, सुनाओ फिर। डॉक्टर साहब पारो से हमका फुकौता प्यार रहा है। फुकौता प्यार? यूँ कौन सा प्यार होते? अरे हमसे पहले कोई लड़की नहीं पटर रहा है, हम बहुत परेशान रहन। फिर हम एक बाबा के पास गए, उनका अपनी समस्या बताएं, तो बाबा हमका कुत्ते की सूखी टट्टी में फूक डाल के दीन और कहीं ने जो लड़की पटानी होए उके घर में फेंक दियो। हमरे लड़की पटाने चुल रहा है, हम जल्दबाजी में बाबा के घर में फेंक दियन, वहीं की लड़की पारो हमसे सेट हो गई। और फिर जब यह बात बाबा का पता चली तो ये हमसे गुस्सा हो गए और हमका शराब दे दिन, तब से हम शराबी हो गए। अबे तुम हर बार नई स्टोरी सुनावा तो। अरे डॉक्टर साहब यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है, तुम ना समझ पाई हो। अरे मरे नहीं है, जिंदा है, सामने तो देखो। क्या हुआ? अरे क्या बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब अकेले अकेले दारू पी रहे हो, एक पैग हमको पिलाओ। तुम चुप रहो, ये दारू पियो, दिन भर तो घर में दारू पिया करे तो अब यूँ मांगने लगे। तो डॉक्टर साहब आप शराब छुड़ाने वाले डॉक्टर हो कि शराब पकड़ाने वाले? काहे क्या हुआ? छोड़ना तो दूर की बात, अभी बोतल और कस के पकड़ ली ने, दिन भर दारू पिया कर रहे थे। अरे तुम टेंशन ना लो, 30 दिन हो तो दो, पहले ही पेल के दारू पिए फिर धीरे धीरे छूट जिए। अरे डॉक्टर साहब तुम हमका गोली ना दो, तुम खुद ही दारू पी रहे हो, दूसरे की दारू का छुड़ाई हो। अरे नहीं भाभी जी, वो तो हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर हैं, पहले शराब के लत लगवाते हैं फिर छुड़वाते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम दारू पियो या छोड़ो, पर पैसे लियो तो इनकी दारू छुड़वाओ। हाँ हाँ भाभी जी बिल्कुल। अबे दारू काहे नहीं छोड़ रहे हो, दारू पीने से पता है लीवर खराब हो जाते। अरे डॉक्टर साहब उसकी चिंता नहीं है, हमारी पत्नी हमसे बहुत प्यार करत है, आधा लीवर डोनेट कर दे। ये गलत फहमी मना रहे हो, मर जियो तो मिट्टी दे सकते, इससे ज्यादा और कोई उम्मीद न रखो। देखो डॉक्टर साहब हम बस यही गम में दारू पिया धन कि हमारी पत्नी हमसे प्यार ही नहीं कर रहे थे। अबे प्यार करने के लिए इंसान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, दवा टाइम से लेते हो। और क्या डॉक्टर साहब, अभी सुबह दवा में दारू मिला के पिया रहन। देखो डॉक्टर साहब ये दवा में दारू, चाय में दारू, खाने में दारू, हर जगह तो दारू मिला के पी रहे हैं। अबे तुमसे कह रहा हूँ जब कोई खुशी या गम हो तभी दारू पियो, ऐसा ना पियो, तुम तो ऐसा पैग लगाए टुन हो। अरे डॉक्टर साहब कभी खुशी कभी गम तो लगे रहा थे, तभी तो पिया था। अभी 4 दिन पहले हमारी कुतिया 4 बच्चे धीर रहे तो उकी खुशी में पियन, अगले दिन एक मर्ग हुआ तो उके गम में पियन, परसों पड़ोसी का खतना रहे तो उकी खुशी में पियन, और कल पड़ोसी की साइकिल चोरी हो गई तो उके गम में पीना पड़ा। हम मर जीवा तुमका दफनाओ ना, हमरी लाश का कोने में रख के गम में दारू पियो बस। गम में नहीं, तब तक खुशी में एक बाल्टी दारू पीवा। अच्छा बेटा, तुम हमरे मरे की खुशी में दारू पियो। रुको अब इन बता रहे तुमका। ए पुष्पा, दारूबाज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही? रुक रुक। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।